नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि एम एस वर्ड के जो टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं टेबल ऑप्शन इंसर्ट पे अंदर टेबल ऑप्शन जो है, मैं आज आपको इस टेबल ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो टेबल ऑप्शन है तो इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो इंसर्ट टेबल है, यहाँ से जो भी टेबल आप यहाँ पे पेज के ऊपर देख सकते हैं, जितना भी मैं रो कॉलम ले रहा हूँ वहाँ से टेबल बनता जा रहा है। ठीक है, और इंसर्ट पे आएंगे तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ कि सबसे नीचे से क्या है। पहले क्विक टेबल, क्विक टेबल का मतलब है जैसे आपको रिसेंटली फटाफट एक ऐसा फॉर्मेट आप बनाना चाहते हैं जो फटाफट से बन जाए, फटाफट आपको देना है। जैसे मैं सोच लो कि मान लीजिए कि ये वाला, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम है और यहाँ पे नीडेड है कि कितना आइटम है और कितना आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे बुक्स है और यहाँ पे मैगजीन है, आपका कोई दूसरा आइटम ऐसे है ना, तो उस हिसाब से आप अपने ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, हाईलाइटेड टू कलर है, ऐसे आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, लेकिन इस टेबल के अंदर देखिए, जब आप प्रीव्यू करते हैं कंट्रोल F2, तो प्रीव्यू में यहाँ पर जिस तरह का शो करता है उसी तरह से आपके प्रिंट होके आएगा आपके पेज के ऊपर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे कोई कॉलम डिवाइडेड या रो डिवाइडेड यहाँ पे बॉक्स शो नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे ही प्रिंट होके आएगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब चाहते हैं कि इसको जैसे कि ये इसके अंदर पहले टेबल को सिलेक्ट कीजिए और इसके अंदर रो कॉलम को अब हाईलाइट कीजिए। तो आपको जाना है सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाना है, लेआउट में जाके ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल बॉर्डर पे जहाँ पे हैं कहाँ ये सॉरी यहाँ पे डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जो बॉर्डर्स ऑप्शन है, इस बॉर्डर के अंदर आपको ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल बॉर्डर ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जितने सारे टेबल है सारे के अंदर बॉर्डर लाइन आ जाएगा, मतलब एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा करके भी और अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मैंने ये चीज़, अब देखिए यहाँ पर ये सारा शो कर रहा है। अब जब प्रिंट होकर आएगा तो ये सारा आएगा, मतलब ये लाइनिंग भी ये बॉक्स भी आएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्विक टेबल की मदद से क्विक टेबल आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से लेके इसको बना सकते हैं, जैसा आपको जरूरत हो वैसे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट, ये बहुत ही काम का है। ठीक है, तो मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ, एक दूसरा ऑप्शन में जान लीजिए डिलीट कैसे करते हैं। जैसे आप टेबल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको हाईलाइट होता रहता है, जिस टेबल के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर माउस ले जाइए, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट होता है। ठीक है, अब इस टेबल को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, तो लेआउट ऑप्शन पर जाइए और डिलीट, यहाँ देखिए डिलीट ऑप्शन, डिलीट से टेबल डिलीट, डिलीट टेबल। ठीक है, तो डिलीट टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर टेबल के अंदर आएगी एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब जैसे आपको वर्ड में काम करें लेकिन आपको एक्सेल आपकी ज़रूरत है एक्सेल शीट की, तो आप उस शीट को यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पे उस पर काम कर सकते हैं। इतना बड़ा शीट आता है, आप इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा काम है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ इसके क्या काम है। और मैं आपको बता दूँ कि आगे का वीडियोज़ में मैं एक्सेल बेस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप पूरा एक्सेल सीख सकते हैं, एक्सेल की हर चीज़ को आप सीख सकते हैं, उसके हर फॉर्मूले को आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ड के अंदर एक्सेल शीट कैसे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चलो पहला रो मैं छोड़ देता हूँ, पहले मैं कुछ हेडिंग वगैरह लिखूँगा। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान के चलो चलिए मैं कोई एक सब्जेक्ट ही बना रहा हूँ, मान के चलिए साइंस। ठीक है, और तो यहाँ पर नेम की जगह पे आप मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं टाइप कर दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी मैं इतना दे दिया। आप इसको मान लीजिए कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसीलिए थोड़ा नाक में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको आवाज़ आ रही होगी सर्दी की तो चलिए इसको इसको मिला है इतना इतना, देखिए इसको ध्यान से आप देखिए और इसको आप जैसे ही एज इट इज़ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से मतलब जानकारी हो जाएगी और आप
इतना कर सकते हैं, ठीक है। टू दबा दिया था कि इतना कम नंबर नहीं दे सकते किसी को। तो ठीक है, तो एक्सेल में टोटल करने के लिए एक ऑप्शन एक्सेल में आता है, यहाँ पर ऑटो सम ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो टोटल रेंज ले लेता है, अगर ना लेता है तो हम इस पर क्लिक करके रेंज ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं, तो टोटल इसको इतना नंबर मिला है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा करके बता देता हूँ आपको। एक्सेल में ये तो सिलेक्शन ऑप्शन होता है, माउस पॉइंटर, ये मूव ऑप्शन होता है, और यहाँ पे जब आएंगे तो ड्रैगिंग ऑप्शन होता है। जब इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो बाकी को अपने आप ही जोड़ के यहाँ पे रख देता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको मैं एक्सेल जब बताऊंगा तो इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा है और अब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये वर्ड के ऊपर इस तरह शो करता है, आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। और जैसे आप इसको प्रीव्यू करके कंट्रोल एफ टू करेंगे तो इस तरह से शो करता है, ठीक है। तो अब इस तरह से डायरेक्टली कुछ बना के आप प्रिंट कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके जो बॉर्डर लाइन है इसका प्रिंट अभी है, ये ग्रिड लाइंस बोलते हैं इसको, ये नहीं आएगा प्रिंट, ठीक है। तो इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रिड लाइंस को आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बॉर्डर देना है, ठीक है। तो बॉर्डर देने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके हेडिंग के लिए मैंने एक रो छोड़ा था, ठीक है। तो मैं चलिए मैं इसके रो में कुछ हेडिंग में इसको दे देता हूँ, मान लो दे देता हूँ कि चलिए मान लो दे दिया मैंने हेडिंग। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस कॉलम में लिखना शुरू किया है, लेकिन ये सारे लेटर्स बाकी कॉलम को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। प्रिंट तो आपको आ जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं इसका बॉर्डर लेना चाहता हूँ, सपोज दैट इनके कुछ बॉर्डर लेना चाहता हूँ, तो मैंने पूरा कुछ सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से इसको बॉर्डर में दे सकता हूँ, ठीक है। तो टेबल के बॉर्डर के लिए आप चले जाइए टेबल बॉर्डर में, यहाँ का ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे चले जाइए, तो ऐसे बॉर्डर दे दिया है। अब आप इसको अगर प्रीव्यू, अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से आपको शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो साइड में ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया है, तो आपको जितना आपने टाइप किया है उतना मैटर चाहिए। और ये जो एक बॉर्डर पूरा जो सिलेक्ट किया है ये राइट नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि अभी ये कॉलम में दिखा नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह से शो तो कर रहा है, अच्छा है, लेकिन इसको मर्ज करना पड़ता है। एक्चुअल में कहने का मतलब है कि जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे, मर्ज सेंटर, तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये सही है, ये राइट चॉइस है कि यहाँ से जब आप मर्ज करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। आपको जितना हिस्सा नहीं चाहिए उतना आप इसको यहाँ से छोटा कर दीजिए जस्ट, ठीक है, और नीचे से भी छोटा कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा चला गया होगा तो थोड़ा सा और कर देता हूँ। तो ये अब देखिए इतना ही हिस्सा आपके पास आएगा, कंट्रोल एफ टू से आप देख सकते हैं प्रीव्यू करके। ये देखिए इस तरह का फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है देखने में, तो ऐसे आप एक्सेल की मदद से वर्ड के अंदर एक अच्छा सा फॉर्मेट, टेबल का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको आराम से प्रिंट निकाल लीजिए। इसी को ही आप एक्सेल में भी वर्ड में भी आप टेबल के अंदर बना सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन ये आसान होता है जब एक्सेल की शीट हमारे वर्ड के अंदर आता है, ठीक है। जैसे अब इंसर्ट में मैंने यहाँ से एक्सेल लिया, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही कर सकता है जिसको एक्सेल के बारे में जानकारी है। तो ये तो क्या एक्सेल की स्प्रेडशीट में इसको आप छोटा बड़ा या जैसे भी करना आप इसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करके कर सकते हैं। थोड़ा मैं और बता दूं इसके बारे में, यहाँ पे आप जैसे कि इस खाने को जैसे ये नाम वगैरह लिखा है, जैसे ये लेटर्स है, तो देखिए ये क्या है कि ये राइट साइड में है, अगर चाहते हैं इसको बीचों बीच, मुझे इसको बीचों बीच चाहिए, ठीक है, तो इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ी सी, इसको बीचों बीच हमें चाहिए, तो आप क्या करेंगे तो यहाँ से इसको सेंटर पॉइंट करेंगे तो सेंटर पे, ठीक है। इसको ऊपर भी तीन ऑप्शन है, ये इसको ऊपर नीचे करता है, इसको मैं बता दूँ थोड़ा सा रो को थोड़ा बड़ा करेंगे, अब देखिए तो ये क्या करता है, ऊपर ये और ऊपर ये सेंटर, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन पे जब आप काम करेंगे, मान लो आपको बड़ा मात्रा में आपको बड़ा बड़ा रो चाहिए ऐसे, तो उस पोजिशन में आपको इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए, सबको आप ऐसे सेंटर ऐसे दोनों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सेंटर, दोबारा आपको दिखा दूँ,
यहाँ पे इसको सेंटर पोजीशन में लाने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ दोनों तो सेंटर करना, ऐसे हो जाता है। तो जैसे आपको मर्जी है, जिस तरह के आप फॉर्मेट चाहते हैं एक एक्सेल शीट की मदद से टेबल बनाना, उस तरह से आप अपने वर्ड के पेज के ऊपर भी ऐसा टेबल आप बना सकते हैं और उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक करके इसको आप दो एक्स्ट्रा जो कॉलम आ गया है उसको रो आ गया, इसको हटा सकते हैं। अब देखिए ये है आपका वर्ड का पेज, यहाँ पे अच्छा सा टेबल बन चुका है और यहाँ पे आप इसको जैसा मर्जी वैसा आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया, आप यहाँ से ड्रॉ टेबल, मतलब एक मैनुअल टेबल। मैं आपको थोड़ा सा हिंच दे दूँ कि कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया और यहाँ से ड्रॉ टेबल में जब जाते हैं तो यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मर्जी एक एक डंडी डंडी जहाँ आपको डंडी खींचनी है, डबल डबल डंडी खींचनी, सिंगल डंडी खींचनी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के ड्रॉ टेबल आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रॉ टेबल कैसे ड्रॉ टेबल करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इस तरह का आप कोई भी टेबल ऐसे बना के, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ड्रॉ टेबल के यहाँ से ऑप्शन हटा दीजिए, यहाँ पर आप कोई भी डाटा यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा मान लो टेबल आपको चाहिए था, चल मैंने जल्दी जल्दी मैंने इस तरह का टेबल उन्हें बना दिया है। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से इस तरह के कैसे भी ड्रॉ करके फिर से आपको ड्रॉ करना है, फिर से इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लाइन खींचनी है तो यहाँ से भी आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये डबल बन गया है, ऐसे सिंगल लाइन खींच सकते हैं, बीच में से लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ड्रॉ टेबल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ड्रॉ टेबल ठीक नहीं रहता है, ड्रॉ टेबल में तो अलग अलग वो इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा है कि जब हम टेबल यहाँ से क्रिएट करते हैं कोई सा भी टेबल, तो ये जो टेबल बन के आया है नीचे, इसी को हम कैसे भी मर्जी अपने मर्जी से एडिटिंग कर सकते हैं, अपने मर्जी से इसको छोटा बड़ा, है ना, इसके अंदर लेटर वगैरह कोई भी हमने डाटा वगैरह एंट्री करना है, कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैनुअली टेबल ड्रॉ करने करके किस तरह से इसके अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो जानकारी अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिए, जो अभी नया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।